नमस्कार, श्रेष्ठ भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गायत्री। भागदौड़ भरी जिंदगी में पूरा हफ्ता काम करने, मेहनत करने के बाद जब फाइनली वीकेंड आता है तो कितनी खुशी मिलती है ना? और जब लॉन्ग वीकेंड मिल जाए तो क्या ही कहने। अगले हफ्ते 29 सितंबर से 2 अक्टूबर तक आ रहा है 4 दिन का लॉन्ग वीकेंड, तो जायज बात है कि लोग अपने घूमने फिरने के प्लान सभी से बना रहे हैं, पर सोच रहे हैं कि जाएं तो जाए कहां। अक्सर लोग कहीं जाने के प्लान्स तो बना लेते हैं, पर या तो मौसम की वजह से प्लान कैंसिल हो जाता है या फिर ओवरबुकिंग की वजह से। कभी कभार तो लोग पूरा वीकेंड यही सोचने में गुजार देते हैं कि जाए तो जाए कहां। ऑफिस की थकान मिटाने के लिए लोग अक्सर ऐसी जगह ढूंढते हैं जहां वो वीकेंड अच्छे से एंजॉय कर पाए। मसूरी और नैनीताल जैसे हिल स्टेशन अब लोगों को बोरिंग लगने लगे हैं, तो चलिए हम आपको बताते हैं ऐसी कुछ जगहों के बारे में जहां आप अपने फ्रेंड्स या फैमिली के साथ जा सकते हैं। इसमें सबसे पहला नंबर आता है मनाली का। मनाली वन ऑफ द मोस्ट हाईएस्ट हिल स्टेशन में से एक माना जाता है। समुद्र तल से 2050 मीटर की ऊंचाई पर मनाली साल के किसी भी समय जाने के लिए बेस्ट है। हालांकि मॉनसून सीजन में यहाँ जाना सेफ नहीं होता है। यहाँ जाने का बेस्ट टाइम सितंबर से जनवरी के बीच का माना जाता है। यहाँ पर आप स्कीइंग, ट्रेकिंग, हाइकिंग कर सकते हैं। आसपास की जगहें जैसे भुंतर, नगर कैसल और उरुस्वती हिमालयन लोक कला म्यूजियम में भी घूमने जा सकते हैं। मनाली जाने के लिए आप फ्लाइट ले सकते हैं जिसका एयरपोर्ट भुंतर में स्थित है। जोगिंदर सिंह रेलवे स्टेशन 120 किलोमीटर दूर है और मनाली बस डिपो तो है ही, पर मेरा पर्सनल फेवरेट है एक लॉन्ग ड्राइव जिसमें आप डेस्टिनेशन के साथ साथ रास्ते की हसीन वादियों का लुत्फ भी उठा सकते हैं। इसके बाद नंबर आता है वेस्ट बंगाल के हिल स्टेशन दार्जिलिंग का। अपने टी एस्टेट्स के लिए फेमस दार्जिलिंग सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी काफी फेमस है। दार्जिलिंग को इंडिया का मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। यहाँ घूमने का बेस्ट समय मई से अक्टूबर का बताया जाता है। दार्जिलिंग में आप काफी सारी एक्टिविटीज का मजा ले सकते हैं। इनमें सबसे खास है दार्जिलिंग की टॉय ट्रेन जो कि दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे के अंडर आती है। इसके अलावा टाइगर हिल, पीस पगोड़ा जैसी जगहों पर आप घूमने जा सकते हैं। दार्जिलिंग के आसपास की जगहें जैसे कि गैंगटॉक और कैलिमपोंग भी बेहद खूबसूरत है जहां आप घूमने या स्टे करने भी जा सकते हैं। दार्जिलिंग पहुंचने के लिए बागाडोरा हवाई अड्डा, दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, तेंजिंग नॉर्गे बस स्टैंड सभी अवेलेबल है। अब तीसरा नंबर आता है ऊटी का। तमिलनाडु में स्थित ऊटी एक काफी फेमस हिल स्टेशन है। समुद्र तल से लगभग 2240 मीटर की ऊंचाई पर नीलगिरी की पहाड़ियों के बीच मौजूद ऊटी इसके मौसम की वजह से और भी खूबसूरत हो जाता है। यहाँ पर कई अमेजिंग लोकेशंस हैं, जिनमें आती है ऊटी झील, स्टोन हाउस, नीलगिरी माउंटेन रेलवे और पायकारा फॉल्स। ऊटी के आसपास भी बेहद खूबसूरत ट्रैवल वर्दी लोकेशंस हैं, जैसे कि कुर्ग, कुनूर और बैंगलोर। ऊटी जाने का सबसे सही समय बताया जाता है अक्टूबर से दिसंबर के बीच, और यहाँ पहुँचने के लिए कोयम्बटूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, मेट्टुपालयम रेलवे और ऊटी बस स्टैंड से जा सकते हैं। चौथे नंबर पर आता है धर्मशाला। घूमने जाने के लिए हिमाचल प्रदेश का हिल स्टेशन धर्मशाला भी कुछ कम नहीं है। अगर आप एडवेंचर लवर है तो ये जगह आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगी। यहाँ आप ट्रेकिंग के साथ साथ नाइट कैंपिंग के लिए भी जा सकते हैं। धर्मशाला से महज 5 किलोमीटर की दूरी पर मैक्लोडगंज हिल स्टेशन भी है। यहाँ आप इस जगह के फेमस टूरिस्ट स्पॉट्स जैसे कि दलाई लामा मंदिर और सुगलक खंग मंदिर भी घूम सकते हैं। यहाँ पहुँचने के लिए गंगल में स्थित कांगड़ा एयरपोर्ट जाना होगा जो कि धर्मशाला सिटी से केवल 14 किलोमीटर की दूरी पर है। धर्मशाला का नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है पठानकोट, जहाँ से आप गेज लाइन के थ्रू कांगड़ा पहुँचेंगे और वहाँ से आगे की गाड़ी का सफर। आखिरी नंबर आता है मुनस्यारी का। अगर आप एक नेचर लवर हैं और नेचर के शांति में खूबसूरत नजारों और पहाड़ों के बीच एंजॉय करना चाहते हैं तो मुनस्यारी आपके लिए है। उत्तराखंड के पहाड़ों में स्थित मुनस्यारी गांव ट्रेकिंग और स्कीइंग के लिए मशहूर है। मॉनसून सीजन के अलावा आप यहां कभी भी जा सकते हैं। यहां के खूबसूरत झरने और नदी आपका मन मोह लेगी। मुनस्यारी एक खूबसूरत डेस्टिनेशन होने के साथ साथ कई खास ट्रेल्स का बेस भी है। यहां से आप खलिया टॉप ट्रैक पर जा सकते हैं जो है तो 2 घंटे का, पर आखिर में जब आप टॉप पर पहुंच जाएंगे तो नजारा देखकर कहेंगे इट वॉज वर्थ इट। इसके अलावा थामरी कुंड ट्रैक भी है जो कि खलिया टॉप ट्रैक जितना लंबा तो नहीं है पर खूबसूरत बहुत है।
अगर आप एयर ट्रैवल कर रहे हैं तो सबसे नियरेस्ट एयरपोर्ट है पंत नगर एयरपोर्ट। इसके अलावा ट्रेन से जाना चाहे तो काठगोदाम और टनकपुर रेलवे स्टेशन से भी आप जा सकते हैं, पर आगे का रास्ता कैब या बस से तय करना होगा। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे टॉप 5 डेस्टिनेशंस जो हो सकती है आपकी अगली ट्रैवल डेस्टिनेशन भी। अब आप इनमें से किसी जगह जाएं या कहीं और जाएं, पर मैं बस इतना जरूर कहूंगी कि लॉन्ग वीकेंड का फायदा उठाएं और घूमने जरूर जाएं। आज के हमारे सेगमेंट में बस इतना ही। देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। जय हिंद। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।